Okay, now let us see question number two. Should the relation R of real numbers defined R is equal to A B such that A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो हिंट तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ही ट्रांसटिव है. प्रूव करना है तो हम कोई भी एक एक एलिमेंट ले लेंगे और उसे प्रूव कर देंगे कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव का हिस्सा नहीं है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव. डिफरेंट एलिमेंट्स लेके हम चेक कर लेंगे इनको और कंडीशन को हम प्रूव करा देंगे रॉन्ग, बिकॉज इसका जो डोमेन है इट इज़ अ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, राइट. तो पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए. तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं, लेट अस से वन ए बी दिया हुआ है इसमें. ए बी सेट को हम डिफाइन करना चाहते हैं, ए बी एलिमेंट को, और कंडीशन हमारी होनी चाहिए ए इज़ लेस देन इक्वल. तो क्या ये होल्ड कर रहा है लेट अस से रिफ्लेक्सिव के लिए? 1, 1, यस, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर. क्या ये होल्ड कर रहा है 1, 2 के लिए? 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होल्ड कर रहा है. नाउ लेट अस चेक फॉर सम फ्रैक्शनल नंबर्स ऑल्सो. क्या ये होल्ड कर रहा है 1/2 के लिए? लेट अस सी. 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, गलत, पॉसिबल नहीं है. तो ये कंडीशन फेल हो गया. तो वील राइट सिंस 1/2, 1/2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन, देयरफोर नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकेंड चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए. तो सिमेट्रिक के लिए हमें पता है अगर ए बी एलिमेंट है रिलेशन आर का तो इसका मतलब बी ए बी एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन आर का. चेक कर लेते हैं 1, 2. अगर 1, 2 रिलेशन है दैट मीन्स 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट. तो क्या 2, 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, नो. तो यहीं ये फेल हो गया. तो 1, 2 अगर एलिमेंट है तो 2, 1 कैन नॉट बी एन एलिमेंट. सो वी कैन से इट इज नॉट सिमेट्रिक. सो वी कैन से सिंस 1, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट 2, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, राइट. ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं. अगेन ट्रांसटिव में भी वी हैव टू टेक सम पेयर लाइक दिस. ऐसा कोई पेयर लेंगे जो कि इस कंडीशन को फेल करे. तो ऐसे पेयर्स जो जनरली बुक में दे रखे हैं वो हम यूज़ करें या जनरेट कर लें. आप सोच लें बहुत सारे पेयर्स. तो यहाँ पे हम पहले चेक कर रहे हैं. वी आर गिविन द पेयर्स लेट अस से 3, 2, 2, 1.5 इज एन एलिमेंट ऑफ आर. पहले चेक करें जो एलिमेंट हैं आके ये नहीं है. तो इज 3 लेसर एंड इक्वल टू 2 स्क्वायर, यस. इज 2 लेसर देन एंड इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर? 1.5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2.25. तो 2 इज डेफिनेटली लेसर एंड इक्वल टू 2.25. तो ये फॉलो करता है. इसका मतलब 3, 1.5 भी क्या होना चाहिए? हमारे पास रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए. लेट अस सी ये फॉलो कर रहा है क्या रिलेशन को? 3 इज लेसर एंड इक्वल टू 2.25, नो. 2.25, नो, इट फेल्स. तो हम कह रहे हैं सिंस 3, 2, 2, 1.5 इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट 3, 1.5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयर फोर नॉट ट्रांजिटिव, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट आर. सेट दिया हुआ है हमें, सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन दे रखा है बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. तो अगर रिलेशन को हम लिखना चाहें इन रोस्टर फॉर्म तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या जाएंगे हमारे पास? बी इज इक्वल टू ए प्लस 1. तो दैट मीन्स 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 जनरेट नहीं होगा बिकॉज 7 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सेट ए, ठीक है, इसका पार्ट नहीं है. तो ये हो गया रिलेशन. अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, इज इट रिफ्लेक्सिव? तो रिफ्लेक्सिव को दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी देख के बोल देगा इसको. सो वी कैन राइट सिंस 1, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयर फोर नॉट रिफ्लेक्सिव.
राइट, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है क्या कोई भी एलिमेंट। तो अगेन वी कैन से सिंस 1, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट 2, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। राइट, सिमिलरली वी कैन चेक फॉर ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव है क्या। तो हमने यहाँ पे देख लिया 1, 2 और 2, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर बट 1, 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इट इज रॉन्गली रिटन। दोबारा क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेट मी क्लियर इट। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड एज, रिलेशन आर हमें डिफाइन किया हुआ है a, b सच दैट a इज लेसर देन इक्वल टू b, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव तो ये तो क्लियर हो रहा है, तो वी कैन राइट सिंस a, a इज एन एलिमेंट ऑफ r एज a equals a, because 1 is lesser than equal to 1, right? 1 is lesser than equal to 2, 1 is, ये अगर हम reflexive की बात करें तो खुद को reflect करेगा, 2 is lesser than equal to 2, 3 is lesser than equal to 3, so it follows for every element, so therefore reflexive. Second check कर रहे हैं symmetric के लिए, सिमेट्रिक। राइट, तो सिमेट्रिक चेक कर लिया हमने, लेट अस से सिंस 1, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर बट 3, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर। राइट, बिकॉज क्या हुआ, 1 इज लेसर एंड इक्वल टू 3 तो है, बट 3 इज नॉट लेसर एंड इक्वल टू 1, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आ गया, हम चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 1 इज लेसर एंड इक्वल टू 3, 3 इज लेसर एंड इक्वल टू 5, तो 1 इज लेसर एंड इक्वल टू 5, तो डेफिनेटली 1, 5 क्या होगा, ट्रांजिटिव तो होगा, इट इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। सो वी कैन राइट द जनरलाइज सोल्यूशन, सिंस a, b, c is an element of relation R implies a, c is also an element of relation R, therefore it is transitive. तो ये reflexive भी है, transitive भी है, symmetric नहीं है, okay? Now let us see next question. Question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 ही जो है, इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर जब हमने पहले किया था, इज लेसर देन इन इक्वल टू बी स्क्वायर, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो लेट अस सी टू इट, हम चेक करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए वहाँ पे हमने लिया था 1/2, तो लेट अस सी 1/2 के लिए फॉलो कर रहा है क्या। तो अगर हमारे पास 1/2 और एलिमेंट 1/2 होता है, तो 1/2 इज लेसर देन एंड इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, दैट इज 1/8, ऐसा है क्या, नहीं, रॉन्ग, तो ये फॉल्सिफाई हो गया। दैट मीन्स वी कैन से सिंस 1, 2/1, 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव।
सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक तो कैसे भी आप फेल कर दो, इट कैन बी एनी इंटीजर। तो सिमेट्रिक के लिए हम चेक कर रहे हैं, 1,2 ले लेते हैं। तो अगर 1,2 रिलेशन का पार्ट है, रिलेशन डिफाइन कैसे है, 1 > 2³, करेक्ट। तो क्या ये 2 और 1 के लिए फॉलो करेगा? 2 > 1, नो। सो वी कैन राइट, सिंस 1,2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बट 2,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमने वहाँ पेयर्स लिए थे, सिमिलरली वील बी टेकिंग सम पेयर्स ओवर हेयर, राइट? सो ऐसा ही एक पेयर है हमारे पास, लेट्स चेक इट फॉर, हमने कहा एक पेयर है 4,3, एक पेयर है 3, लेटस से 1.5। तो इसके लिए चेक करते हैं इस कंडीशन को, ठीक है? ओके, 4,3, 4 < 3³, 27, करेक्ट। तो ये तो इसका पार्ट हो जाएगा। 3,1.5, सो 3,1.5 मीन्स 3 < 1.5, 1.5 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3.375। ये भी हो जाएगा। 4,1.5 को चेक कर लेते हैं, 4 < 3.375, फॉल्स, राइट, 375, तो ये फॉल्स हो गए। सो दैट मीन्स ट्रांजिटिविटी हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिविटी हैज फेल्ड। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस 4,3, 3,1.5 is an element of R, but 4,1.5 is not an element of R, therefore not transitive. Okay. Next देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन R इन अ सेट। तो सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, गिवन बाय R इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, इतने टफ क्वेश्चन तो आप करके आ गए हो आगे। 1,2, 2,1, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव होगा तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1, 1 भी होना चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, सिंस 1,1, सिंस 1,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक तो है, सिंस 1,2 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, या ऐसे लिख लें इसको हम, सिंस 1,2 एंड 2,1 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर सिमेट्रिक। ट्रांसटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांसटिव के लिए चेक किया हमने, सिंस, अच्छा यहाँ पे ट्रांसटिव के लिए क्या हुआ, 1,2 है और 2,1 है, 2,1 है, तो 1,1 भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए था, पर वो तो है नहीं, मिसिंग है। सो वी कैन से सिंस 1,2, 2,1 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बट 1,1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो हमें सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, और जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन इज गिवन एज, दो बुक्स हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। लेट अस से ये हमारी एक मैथ्स की बुक है, ये हमारी साइंस की बुक है बाय सम पर्टिकुलर ऑथर, इसमें भी 200 पेजेस हैं, इसमें भी 200 पेजेस हैं। तो ऐसी बुक्स जिनके की सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, उनसे हमने एक रिलेशन क्रिएट किया हुआ है। तो रिलेशन इज गिवन ओवर हेयर। तो रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? तो डेफिनेटली इट इज सिमेट्रिक, सिंस अगर हमने कहा कि एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, एक बुक अपने आप से रिलेटेड है, बिकॉज इट विल बी हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस,
अगर यहाँ पे 200 पेजेस हैं तो इसमें भी 200 पेजेस होंगे, एक बुक में एक ही नंबर ऑफ पेजेस ही होंगे ना। सो सिंस एक्स आर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, देयरफॉर सॉरी वी आर चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव सिंस ए एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। कोई नई चीज नहीं है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या हुआ, अगेन अगर एक बुक है इट इज़ रिलेटेड टू वाई बिकॉज एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, यहाँ पे दिखा दिया मैथ्स और साइंस की बुक है तो इट इम्प्लाइज वाई इज रिलेटेड टू एक्स, तो वाई और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे देयरफॉर सिमेट्रिक, राइट। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंस एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ आर therefore symmetric, राइट। ट्रांसलिप चेक कर लेते हैं, तो ट्रांसलिप भी ऐसे होगा, एक मैथ्स की बुक हो गई, एक साइंस की बुक हो गई, लेटर से एक बुक आपने ले ली इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स अगेन इट इज हैविंग 200 नंबर ऑफ पेजेस, तो दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस अगेन, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सो वी कैन से सिंस x comma y and y comma z is an element of R and x comma z implies x comma z is an element of R therefore transitive, तो ये reflexive भी है, ये symmetric भी है, transitive भी है, तो ये कैसा relation हो गया, ये हो गया आपके पास equivalence relation, इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट।